Now Now Now, now we are starting this covalent covalent no, covalent bond. Schah, covalent bond? bond what is नौ मैंने आपको बोला भी था लास्ट वाले स्लाइड में पढ़ाया भी है कि जो एटम कंबाइन होते हैं या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे एक atom से दूसरे atom पे या तो वो क्या करें? आपस में म्यूचुअल

देखो इसका मतलब सेम भी ये ज़रूरी नहीं कि भी हो सकते हैं डिफरेंट इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड ना वट इज कोविलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक है ना इनके दरमियान अब मेरी बात ध्यान से समझ लो एग्जाम्पल 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 समझ जाओ यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बताओ ये तो अब आप आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है भाई म्यूचुअल शेयरिंग एक में होता है दूसरे में ट्रांसफर बट बनता क्यों है क्योंकि ऑक्टेट या डुप्लेट इनको कम्प्लीट करने है ठीक है शबाश ये एच है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लास्ट लास्टल में एक इलेक्ट्रॉन है यस सर और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है ठीक है ना ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लास्ट में क्या रखेगा म्यूचुअल शेयरिंग में ठीक और जब हम इनको जोड़ेंगे इसका मतलब इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हुआ यस सर और इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हुआ है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहे शेयरिंग में ठीक है ना अब बताओ ये सेम बिटवीन ये सेम के दरमियान हुआ कि डिफरेंट के, के दरमियान शबाश ये किन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना सेम ये बना एच टू शबाश एच टू इसलिए मैं बता रहा हूं सेम या डिफरेंट ये बना एच टू अब एच एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो अनस्टेबल है एच टू स्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होता है ठीक है? शबाश सिमिलर इन दिस केस एच सी एल मोलिक्यूल एच सी एल ठीक है अब अगर इस एच मॉलिकेंगे हाइड्रोजन के लास्ट हल में एक इलेक्ट्रॉन है यस yes, सर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लास्ट हल में कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन इस फटो याद होना चाहिए ठीक है शबाश अब मेरी बात यहां से समझ लो ये क्लोरीन के लास्ट हल में सेवन इलेक्ट्रॉन ये हो गए दो 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 हो गए चार चार दो हो गए छे और एक इलेक्ट्रॉन ये भी डालेगा शेयरिंग में इसमें मतलब यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है म्यूचुअल शेयरिंग एक हाइड्रोजन ने दिया एक क्लोरीन भी दिया। ठीक शाबाश अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे अपना हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करते जाएगा किया कि नहीं शाबाश और साथ साथ यहाँ पे क्लोरिन भी अपना ऑक्टेड ऑक्टेड क्लोरिन को सेवन ही था लास्ट शल में लेकिन हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे हुआ कंप्लीट और ये सेम और डिफरेंट में नहीं हुआ तो इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एस सेल किया तो ये हो गए डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट थे हाइड्रोजन एक था क्लोरिन दूसरा था बताओ आया समझ में कि नहीं बातें समझ में आ रही है सबको बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं हम सबको आया समझ में चलो अब उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज ना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज जैसे हमने आयनिक बॉन्ड की पढ़ी वैसे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड उसके रेस्पेक्ट में हम प्रॉपर्टी इनको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इनका स्टेट ठीक है ना जैसे वहाँ पे फिजिकल स्टेट पढ़ा था सीधा से हम यहाँ पे स्टेट पढ़ेंगे बताओ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मेरी बात ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हो फिजिकल स्टेट भी इनका यहाँ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अब मेरी बात समझ लो यहाँ पे अब बताओ क्या कोविलेंट कम्पाउंड मेरी बात याद ध्यान से समझ लो क्या कोवलेंट आयन अनस में एग्जिस्ट करेंगे वे बताओ आयस में ये एग्जिस्ट करेंगे आई ओ एन एस आयस में ये एग्जिस्ट करेंगे नो no, सर क्योंकि यहाँ पे लेना देना नहीं होता है नहीं होता है ना तो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आयस डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आयस आयानस में वही एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे लेना देना का काम हो ठीक है ना ये मेरी बात तो बट बताओ फिर ये किस में एग्जिस्ट होंगे बट इन मॉलिक्यूल्स तो ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होते हैं है ना तो इनके लिए हम निकाल निकालते हैं फार्मूला मास यूनिट निकालते हैं आयनिक के लिए और इनके लिए निकालेंगे मॉलिकुलर मास ठीक है ना इनके लिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मास यूनिट निकालते हैं ठीक शाबाश उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ इनके दरमियान फिर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एबसेंट होगी कि प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शाबाश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके अंदर क्या होगी एबसेंट की प्रेजेंट होगी बताओ इनके पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स एबसेंट जब एबसेंट होगी फिर फिर बताओ इंट इनके दरमियान फिर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना बताओ ये फिर होंगे ना वीक इनके अंदर वीक फोर्स होगा ठीक है ना इनके पास होगा वीक एंटरमोलिकुलर फोर्स शाबाश बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इनमें इन फोर्स वीक होगा ठीक है ना शाबाश उसके बाद शाबाश और एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो तो सॉलिड्स होते थे आयनिक कंपाउंड्स ठीक है ना दीज एग्जिस्ट एज क्योंकि वीक फोर्स की वजह से दीज एग्जिस्ट एज लिक्विड्स ठीक है ना शबाश ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स और गैसेस में क्योंकि फोर्स वीक है किन से आयनिक में आयनिक यूजुअली सॉलिड्स होते हैं वो वाले ज्यादा सॉल्ट से होते हैं ठीक है लेकिन को ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ लिक्विड्स और और, और गैसेस ठीक है ना शाबाश और कुछ कुछ कम्पाउंडस कुछ कुछ कम्पाउंड फ्यू कम्पाउंडस ये जरूरी नहीं है कुछ कम्पाउंडस कुछ कम्पाउंड क्या होते हैं कुछ कम्पाउंड सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ना ये जरूरी नहीं है सॉलिड लाइक एग्जाम्पल यूरिया ये जो आपका यूरिया है यूरिया इज ऑल्सो ए कोवलेंट कंपाउंड ठीक है ना ये हम पढ़ते भी हैं जीओसी में उसके बाद ऑल्सो शुगर शुगर इज ऑल्सो ए कोवलेंट कंपाउंड ठीक है ना बट ये एग्जिस्ट करते है एज अ सॉलिड स्टेट में बताओ पहला पॉइंट आया समझ में स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आया कि नहीं यस सर आया सबको समझ में ठीक शबाश उसके बाद आप आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे ठीक है ना शबाश नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट no, पॉइंट है इनके पास बताओ खुद ही इनके पास मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे कि हाई होंगे बताओ मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे तो इनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे ठीक बताओ क्यों बिकॉज कोई बता सकता है बिकॉज शबश बिकॉज जो इनके दरम्यान क्या होते हैं अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो क्या होता है एफओसी

ये जरूरी नहीं है सारे के सारे इंसॉलेबल हो और कभी कभार कोई भी होते है आर लेस सॉलेबल लेस सॉलेबल है, है? है कि नहीं इन वाटर एंड वाटर वाटर कौन सा कंपाउंड है पोलर है कि नॉन पोलर इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स अदर पोलर सॉल्वेंट्स बताओ वेरी गुड वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है पोलर है पोलर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स ठीक इसका मतलब ये इनसॉलेबल टोटली नहीं मे बी आधे इन होंगे होंगे कि नहीं बट आधे लेस सॉलेबल भी होते हैं लेस सॉलेबल क्यों क्योंकि जब हम वाटर ये मैंने लिया वाटर यस सर वाटर वाटर के अंदर ऐड हुआ शुगर एस यू जी ए आर शुगर ठीक है ना शुगर इज ऑल्सो ए कोवोलेंट कम्पाउंड आया नहीं कम्पाउंड इट इज एन कोवोलेंट कंपाउंड लेकिन शुगर भी डिजोल्व होता है लेकिन जितना मुझे बताओ यहाँ पे दो केसेज एन ए सी एल एनएसएल कौन सा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड ठीक है ना शुगर कौन सा कंपाउंड है दिस इज कोवलेंट कंपाउंड मुझे बताएगा कोई एन एस सी एल जल्दी से पानी में डिजोल्व होता है कि शुगर होता है आपने कभी ट्राई किया एनएससीएल जल्दी डिजोल्व होता है कि शुगर होता है एनएससीएल जल्दी होता है क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ठीक है, है ना और शुगर उतना जल्दी से फास्ट बिकॉज इसके इसके अंदर क्या नहीं होता है बिकॉज ये पोलर नहीं होते दैट्स वाई ठीक है शबाई फिर बताओ ये सॉलेबल अच्छी तरह किस में होंगे दीज आर सॉलेबल इन बट और फिर ये किस में सॉलेबल होंगे लाइट डिज का प्रिंसिपल यूज़ करो दीज आर सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉलवेंट्स लाइक नॉन पोलर हाँ नॉन पोलर सॉलवेंट्स लाइक ये इथाइलिन इथाली बैनजी टोलिन सॉलवेंट्स तो ये इसमें होंगे बताओ तीन पॉइंट्स आए समझ में फिजिकल स्टेट एग्जिस्टेंस इनकी लो मेल्टिंग समझ में शबश। बताओ। और दे गुड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स का शबाश बैड ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स का मतलब ये कि आपके पास आयन होनी चाहिए यहाँ पे आय फॉर्मेशन नहीं होते आयन उसी में होगा जहां इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होंगे दीज आर नॉन कंडक्टर्स तो ये नॉन कंडर्स होते हैं कोल एंड कम्पाउंड ठीक ये बात याद रखना उसके बाद नेक्स्ट ये आयनिक रिएक्शन नहीं दिखाएंगे ये दिखाएंगे मोलिकुलर रिएशन ठीक है ना बट ये मोलिकुलर रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं उसमें आयन अपोजिट पार्ट को जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रिएक्शन होती है तो ये मोलिकुलर रिएक्शन ऑलमोस्ट स्लो होती है ठीक उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है ये होते देखो ये मेन ये इंपॉर्टेंट है जिस तरह वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये नॉन डैश नहीं होती ये डायरेक्शनल होती है डायरेक्शनल करेक्टर ऑफ बॉन्ड द डायरेक्शनल कैरेक्टर इनका होता है डायरेक्शनल नेचर या डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड पता है ये ये क्यों डायरेक्शनल कैरेक्टर का होता है जब फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया एक आटम ठीक है ना ये लिया मैंने दूसरा एटम ठीक है ना ये एक एटम का न्यूक्लियस है ये बी एटम का न्यूक्लियस है ठीक इनको आपस में बॉन्ड बनाना है कोवलेंट बॉन्ड और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है ये ये हम इसी में पढ़ेंगे ठीक शाबाश आपको पता है ये जो है जो न्यूक्लियस ना यहाँ और इस वाली चीज में आपका बस ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है ये होता है बिटवीन द न्यूक्लियस का डायरेक्शन बस यहाँ पे यहां तक मतलब यहाँ एबसेंट है इस साइड सब जगह एबसेंट होता है ये बात याद रखना बिटवीन द न्यूक्लियर लाइन इंटर न्यूक्लियर एक्सीज पे होती है इनकी यहाँ पे अट्रैक्शन बस ये बात याद रखना ठीक है ना बस अब ये बात इंपॉर्टेंट देखो मुझे आपको दो चीजें यहां पे बस मुझे दो चीजों का आंसर बताओ एक हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी मैं बता रहा हूं एक आयनिक बॉन्ड होता है दूसरा होता है कोवुलेंट बॉन्ड बस अब बताओ क्वेश्चन का आंसर दीजिए बताओ आयनिक बॉन्ड होता है को डायरेक्शनल इन नेचर कि नॉन डायरेक्शनल इन नेचर आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर ये होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर ये बात याद रखना है नेचर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है क्या होता है डायरेक्शनल इन नेचर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शाबाश इतना आया समझ में आप तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ा में आयनिक क्या होते हैं और कोवेलेंट उनकी प्रॉपर्टीज वॉपर्टीज हमने सारा डिस्कस किया ठीक तो उसके बाद अब हमें ये पता चलता है क्यों हाउ डू आई वाई डू एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं ठीक तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आया कि इसलिए आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो अपने क्या ऑक्टेट्स या डुप्लेट्स कंप्लीट करें ठीक तो और किस तरह से होते हैं एक इनके अंदर दो चीजें होती है फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर और कोवलेंट बॉन्ड होता है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर तो ये हमें समझ में आया अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसलिए मैं यहाँ से ये पढ़ा रहा हूँ ऑक्टेट रूल तो वाट इज ऑक्टेट रूल अब सियर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्टेट रूल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है पहले समझो मतलब तो हमें ये मतलब समझ में आया कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं हमारा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अब जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं शबाश तो जब हम क्या करते हैं एटम्स को करते हैं कंबाइन। किस तरह से इधर बाय इधर बाय किस तरह से या तो ट्रांसफर होते हैं शबाश या तो ट्रांसफर होते हैं या किस तरह से आप करते हो इनको या तो शबाश या शेयर होते हैं

वही हमें पढ़ने नाउ सी है एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल ओ सी टी ई टी है ठीक है ना दिस इज से ऑक्टेट वाट आर द एक्सेप्शन रूल नाउ लिसन केयरफुल अब अब पहला पॉइंट ये है पहले हम लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का केस नव सी है जो हमारे हमारे पास होता है हाइड्रोजन नव एक्सेप्शन क्या क्या है हाइड्रोजन बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रूल फॉलो होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यस और नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रूल फॉलो होता है यस और नो नो तो ये एक्सेप्शन है इसमें डुप्लेट ही होता है होता है ना डुप्लेट इसमें डुप्लेट होता है तो ये पहला आपका इसमें ऑक्टेट रूल नहीं होता है ओ आर नॉट इसमें डुप्लेट रूल एक एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करता है ठीक तो दूसरा एक्सेप्शन पे दूसरा है इनकम्प्लीट देखो एक और होता है क्या होता है या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑक्टेट ऑफ एटम यहां पे भी फॉलो नहीं होता है जो सेंट्रल आइटम होते हैं ना उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है आधे मॉलिक्यूल्स के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल सर एग्जाम्पल समझिये फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड लिथियम क्लोराइड ठीक है ना मेरी बात समझो दिस इज लिथियम क्लोराइड सेंट्रल आइटम कौन है इसमें सपोज हम मानेंगे लिथियम ठीक है ना शाबाश अब मेरी बात समझ लो क्या इसमें लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ये मेरी बात ध्यान से समझो जरा निकालो आप ये लिथियम है और ये क्लोरीन है यस yes, सर क्लोरीन के लास्टर में वन टू थ्री वन टू थ्री रुको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक ये हो गए सेवन और उसके बाद लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में करेगा शाबाश, बताओ क्लोरीन के हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर यस और नो हो गया कि नहीं कंप्लीट ओ क्लोरीन के शाबाश, यस अब बताओ लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है बताओ यहां पे लीथियम का ही नहीं complete. नहीं होता उसके बाद आधे सेंट्रल एटम आधे सेंट्रल एटम जो होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता है ऑक्टेट फॉलो मीनस उनमें इनकम्प्लीट रहता है ठीक है ना बाकी भी मॉलिक्यूल्स है लाइक लिथियम क्लोराइड तो हमने लिखा है एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड लाइक बी एच टू ठीक है ना उसके बाद आप ट्राई भी कर लेना बी ई सी एल टू ठीक है ना उसके बाद बी एच थ्री बी एच थ्री उसके बाद बी एफ थ्री तो ये वो मॉलिक्यूल्स है कि जिनके अंदर सेंट्रल एटम लाइक लिथियम बेरिलियम बेरिलियम बोरान बोरान ये सेंट्रल एटम होते हैं इनका ओक्टेट रूल फॉलो ही नहीं होते तो हो गए दो एक्सेप्शन ठीक है शाबाश अब एक काम करें अब आ जाए और एक्सेप्शन अब आधे होते हैं एक रूल इसमें हम पढ़ते हैं एक्सपेंडेड नवसर ये क्या है नो दिस इज एक्सपेंडेड ऑक्टेट वक्सपेंडेडेट शाबाश एक्सपेंडे समझो इसका मतलब, का ये मतलब है जिनमें आपका रूल क्या होता है स्टेबल से ज्यादा हो दैट इज मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स हमें एट ही चाहिए बट आदू में हम दिखते क्या दिखाई देता है मोर देन एट इलेक्ट्रॉन मोर एट मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स इनमें मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई देते हैं ठीक है लाइक एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल आपके पास है पी एफ फाइव उसके बाद एग्जाम्पल है एस एफ सिक्स उसके बाद आई एफ सेवन देखो क्वेश्चन आएगा सर क्या क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एम सी क्यू में डालेगा पी एफ फाइव एस एफ सिक्स आई एफ सेवन और कुछ लेट इट बी ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तीन ठीक होंगे लेकिन इनमें से एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ठीक है ना सपोज उनमें बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फुलफिल द ऑक्टेट रूल लेकिन इसलिए आपको ये चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए ठीक है ना शाबाश अब देखो कैसे ये जो फॉसपोर्स है, है? है ना दिस इज फॉसपोर्स कोई बोलेगा फास्टोर्स के लास्ट हल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फासपोर्स फिफ्टीन अटोमिक नंबर है ना फिफ्टीन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं टू एट और फाइव बताओ लास्ट हल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फाइव सर फाइव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना फाइव ये वन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहाँ पे ठीक है ना यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये मैंने एक साइड से दो बना दिया आप किसी भी साइड से दो बना सकते हो लेकिन तीन नहीं है इसमें बना सकते ठीक है शाबाश। आप कितने फ्लोरिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ पी एफ फाइव कितने फ्लोरिन बॉन्ड बना रहा है पांच इसका मतलब यहाँ से फ्लोरिन उसके बाद यहाँ से भी फ्लोरिन उसके बाद यहाँ से भी फ्लोरिन ठीक है ना शाबाश उसके बाद नीचे से भी फ्लोरिन यहाँ पे भी फ्लोरिन यहाँ पे भी फ्लोरिन तो पांच फ्लोरिन ठीक है फ्लोरिन को लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन बताओ इस फ्लोरिन का ऑक्टेट हुआ कंप्लीट यस और नो पहले मैं ये लाइन से बॉन्ड बना देता हूँ हुआ कि नहीं यस हुआ हुआ बताओ सारे फ्लोरिन को इसी तरह से होगा ऑक्टेट अपना कंप्लीट होगा कि नहीं सबको इसी तरह कंप्लीट यस सर बताओ इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा शाबाश इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट अब जरा के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कीजिए देखो एट से ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं बताओ ये वाला इसमें इस दो आए देखो ये दो देखो आप को इस तरह से बनाओगे ये आप को इस तरह ड्रॉ करउंट करो ये हो गए इसके दो दो यहाँ पे हो गए दो 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 हो गए चार चार दो हो गए छ सात आठ नौ दस कितने आ रहे हैं इसमें अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं दस आ रहे हैं तो बताओ इसमें फिर फॉलो ही नहीं होता है ओकडेड इसी तरह आप एस एफ एस एफ सिक्स का भी बनाओगे आई एफ़ सेवन का भी बनाओगे सिर्फ सल्फर को लास्ट देखने लास्ट शाल में कितने इलेक्ट्रॉन से और इसी तरह आपको आयोडीन में देखने लास्ट आयोडीन हेलोजन में सेवन होते हैं लास्ट शाल में तो सेवन के साथ सेवन बॉन्ड बनाएगा आपको पता है यहाँ पे फाइव फाइव से बनेगा टेन यहाँ पे सिक्स सिक्स से बनेगा ट्वेल्व क्योंकि जब वो ये फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा सल्फर भी देगा तो सल्फर को हर एक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो छह बॉन्ड है तो बारह इलेक्ट्रॉन तो बार मिलेंगे इसी तरह यहां पे टोटल फोर्टीन आएंगे सेवन सेवन फोर्टीन तो इसका ये मतलब है इनमें मोर देन ऑक्टेट है बताओ ये एक्सेप्शन आया समझ में आया कि नहीं शाबाश उसके बाद आ जाओ एक और एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का दैट्स ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स तो आधु में क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ठीक है ना आड नंबर ऑफ फॉर एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल पहले इसमें भी फॉलो नहीं होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ लाइक एन ओ ऑक्साइड, उसके बाद एन ओ टू ऑक्साइड है ही नहीं सॉरी ये एन ओ टू अब मेरी बात समझ लो मैं बना रहा हूँ एन ओ का दिस इज से एन ओ बताओ ये नाइट्रोजन के लास्ट शाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ लास्ट में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं लास्ट शाल में इलेक्ट्रॉन्स इतना टाइम क्यों लगता है आपको नाइट्रोजन का आइटम नंबर सेवन है टू का फाइव आपको पता है ना फाइव में से हम बचा के रखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नाइट्रोजन में एक स्पेशल केस होता है बताओ इसमें क्या चीजें होती है नाइट्रोजन में कुछ हाँ हाँ ये पता होना चाहिए लोन पेयर यस सर तो पहले उठाएंगे आउट ऑफ फाइव दो इलेक्ट्रॉन्स उठाएंगे खुद ही लोन पेयर के दो मतलब वो लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं करते ठीक तो उठाए अब बच्चे पांच में से कितने रही? तीन तो दो तो पहले ही उठा दिए अब बच्चे दो कितने तीन तीन का मतलब ये है दो यहाँ से रखेंगे और एक यहाँ से रखेंगे ठीक है ना अब ये बनाएगा ऑक्सीजन मैंने इस साइड क्यों दो रखे ये मैं बोलूंगा ठीक है ना अभी एन की एग्जाम्पल अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिक्स होता है कि नहीं सिक्स इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपको पता है मैंने नाइट्रोजन के इस साइड क्यों दो इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे एक्चुअली ऑक्सीजन भी दो कर रहा है शेयर और नाइट्रोजन भी कर रहा है दो शेयर दैट्स वाई दो दो जहां जहाँ पे एक, एक फिर एक एक, एक देना पड़ता है यहाँ दो दो देने पड़ते ठीक अब जरा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो ऑक्सीजन का देखो वन टू ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा यहाँ से है कि नहीं शबश और यहां से रहेगा आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट आप जरा पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए शबश ऑक्सीजन के आठ बराबर आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है नाइट्रोजन का देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन आ रहे सेवन ये आया समझ में कि फिर से ड्रा करना है आया समझ में नाइट्रोजन के कितने हैं सेवन अब बताओ ये एक्सेप्शन सबको समझ में आए क्या क्या एक्सेप्शन थे शाबाश वेरी गुड सबको क्लियर हुआ